गुड मॉर्निंग बच्चों, DSR पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, अध्याय 4। अध्याय 4 में दिया है शब्द, हिंदी में शब्द और अंग्रेजी में वर्ड इसको बोला जाता है। इसे दिया है ज प्लस ल बराबर जल। शब्द मैंने दो जब हम लोग वर्णों को जोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा, जब हम अलग अलग वर्णों को जोड़ेंगे तो एक शब्द का निर्माण होगा। दो वर्णों जैसे ज प्लस ल, ये दो वर्णों वाले शब्द को जोड़े तो क्या हुआ, जल। अब तीन वर्ण वाले शब्दों को जोड़ेंगे, क जोड़ म जोड़ ल बराबर कमल। ये तीन वर्ण वाले शब्द हुआ, ये चार वर्ण वाले शब्द, अ प्लस द प्लस र प्लस क बराबर अदरक। यानी हम लोग वर्णों को जोड़कर शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ पर 2, 3, 4 वर्णों को जोड़कर जल कमल अदरक शब्द बनाए गए हैं। वर्णों के ऐसे ही मिल शब्द कहलाते हैं। मैंने शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। याद, वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है। करें वर्णों का समूह क्या कहलाता है, शब्द, और प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है। अगर वे शब्द जिसके शब्द में अर्थ न निकले तो शब्द क्या माना जाता है, गलत। शब्द का जरूर कुछ ना कुछ अर्थ निकलता ही है। अगर वो अर्थ न निकले तो क्या माना जाएगा, मक। इसे यहाँ पर तुम लोग को दिया है मकल। मकल से क्या अर्थ निकल सकता है, कर द। इससे क्या अर्थ निकल सकता है, कुछ नहीं। तो ऐसे शब्द गलत माने जाते हैं। अब इन वर्ण समूहों को देखिए। अब दिया है म प्लस क प्लस ल बराबर मकल। तो क्या ये शब्द बना, नहीं, गलत शब्द बना। क प्लस र प्लस द प्लस अ बराबर कर द, क्या ये शब्द बना, नहीं, गलत शब्द बना। तो हम लोग वही शब्द वर्णों को सही क्रम में जोड़कर एक शब्द का निर्माण करेंगे जिसका अर्थ निकले। ये नहीं कि कुछ भी जोड़ दें और वो क्या कहेंगे कि शब्द बन गया, नहीं। उल्टा कोई भी वर्ण नहीं जोड़ना है कि जिसका अर्थ न निकले। हम लोग को सही वर्णों को जोड़कर ऐसा शब्द निर्माण करना है जिसका कुछ अर्थ निकले, ठीक है बाबू। इन वर्ण समूहों का कोई अर्थ नहीं है इसलिए शब्द नहीं है। करें कि इस वर्ण समूहों का कोई अर्थ ना निकला इसलिए क्या है, शब्द हम लोग नहीं मानेंगे, इसको गलत शब्द मानेंगे, शब्द मानेंगे ही नहीं। अतः इन शब्दों को बनाते समय वर्णों के सही क्रम का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसे आप इस रूप में समझ सकते हैं। दिया है जैसे ये बर्तन है, बर्तन का सारा चित्र है, त प्लस ब प्लस र प्लस न बराबर तबरन। क्या ये बर्तन, मतलब क्या ये सही शब्द बना, ब प्लस र प्लस त प्लस न बराबर बर्तन, कौन सा ये, तबरन की बर्तन, बर्तन, बर्तन जो है जिसका अर्थ निकल रहा है और तबरन का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इसलिए वो बाबू गलत है। हम लोग को जैसे बच्चों को दिया जाता है चार वर्णों से शब्द लिखें तो वैसे ही लिख देते हैं जो कि जिसका कोई अर्थ ही ना निकले। तो ऐसे शब्द नहीं लिखना है, और हम लोग को ऐसे शब्द लिखना है जिसका कुछ अर्थ निकले। ये ट प्लस र प्लस म टरम, क्या ये सही शब्द है, म प्लस ट प्लस र बराबर मटर। बताओ तो इसमें दोनों में कौन सा सही शब्द है बेटा, मटर। टरम का क्या अर्थ है, कुछ नहीं अर्थ है इसलिए इसको हम गलत शब्द मानेंगे, और मटर हम लोग का क्या है, सही शब्द है। उसी तरफ इधर दिया है
ग प्लस म प्लस र गमर, म प्लस ग प्लस र मगर, तो क्या ये शब्द बना? नहीं, गमर गलत शब्द है और मगर सही शब्द है। र प्लस ग प्लस द प्लस ब बराबर बर रग रगदब, ब प्लस र प्लस ग प्लस द बराबर बरगद। तो रगदब क्या गलत शब्द है बाबू, और बरगद क्या हम लोग का सही शब्द है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग वैसे वर्ण को जोड़ेंगे जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, वही सही शब्द माना जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका हम लोग प्रश्न उत्तर जो भी भरना है वे अगले वीडियो में भरेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और तुम लोग को हम शब्द याद करने के लिए दे रहे हैं, उसको याद कर लेना। वर्णों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं इसका कोई अर्थ होता है, होता है प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। ठीक है, सम सिंपल में यहाँ दिया है वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।